बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 KPK बोर्ड फिज़िक्स के चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स कंटिन्यू है। 2.4 असाइनमेंट तक हम कर चुके हैं, अब हम 2.5 से स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट लेने से पहले आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस आने चाहिए। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जी vf इज इक्वल टू, लेट मी रिमूव दिस, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास वी एफ, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है जी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू, एस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। एस इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टी आपके पास टाइम है, प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है जी। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, ए एक्सेलरेशन, टी स्क्वेयर टाइम का स्क्वेयर, ठीक है। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम तब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ होता है, और ज़्यादातर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें टाइम गिवन हो, टाइम गिवन हो और डिस्टेंस हमने फाइंड करना होता है, तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज़ गिवन बाय 2s इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई, ठीक है जी। अगेन ए एक्सेलरेशन, एस डिस्टेंस कवर्ड, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर, बीच में माइनस। अच्छा, ये इक्वेशन भी आप इससे आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपको बाकी क्वान्टिटीज़ गिवन है, इससे आप डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर आपको जब कहा जाता है कि डिस्टेंस फाइंड करें और आप उसमें देखते हैं कि टाइम नहीं गिवन क्वेश्चन में, फिर आप ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें, ठीक है जी। अब हम आते हैं एग्जांपल 2.5 तक। अच्छा, ये देखें, ये जो इक्वेशन है ये आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 2.5 कहता है अ मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब वो रेस्ट से स्टार्ट हो गया है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म, ये ए एंड डी है, ठीक है, ये ए एंड डी है। एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है जी। 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो आपको एक्सेलरेशन गिवन है 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है जी। और 22 सेकेंड, अब देखिए 22 सेकेंड आपका टाइम ही है तो टी आपके पास 22 सेकेंड है, ठीक है जी। फाइंड वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर, ठीक है जी। अब ये किस वेलोसिटी की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है अब ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, वो उसने बता दिया कि रेस्ट से स्टार्ट है, तो वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है और डिस्टेंस कवर पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी के लिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए क्योंकि उसमें आपके पास ये फिजिकल टू वी आई प्लस आई टी, वी आई प्लस ए टी था, मतलब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी थी, फाइनल वेलोसिटी भी थी, एक्सेलरेशन और टाइम भी था। वी एफ इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है जी। तो वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको ज़ीरो है, इधर मैं ज़ीरो लिख लेता हूँ, एक्सेलरेशन 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाई टाइम जो कि 22 सेकेंड, ठीक है। तो सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास 41.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई जी 41.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। ये मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर है तो स्क्वायर और सेकेंड आपस में कट जाएंगे, ये सिर्फ मीटर पर सेकेंड रह जाएगा, ठीक है। एक पार्ट जो है वो फाइंड हो गया, दूसरे पार्ट में वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है। देखें, अब डिस्टेंस पूछ रहा है और आपको टाइम गिवन है तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें। सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब अगेन आपके पास वी आई जो है वो ज़ीरो है, टी 22 है, लेकिन जो भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाती है वो ज़ीरो हो जाती है, तो ये टर्म आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। ये जो टर्म है ये ज़ीरो हो गया, प्लस हाफ
ए एक्सेलरेशन, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 22 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, 0 इंटू 22, ये आपके पास 0 है, ये आपके पास प्लस हाफ 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 22 सेकेंड, ठीक है जी। 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 22 सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर के साथ कट जाएंगे। अच्छा, 2 को 1 जार 2 11 जार, आपके पास जो है वो 22 आता है। तो आप सॉल्व करें, एस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 459.8 सर। ये मैंने काट लिया, इसको नहीं काटना चाहिए क्योंकि उधर स्क्वायर भी है आपके पास, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं आपस में, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास हाफ इंटू 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 22 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये आपके पास यू हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर तो कट जाएंगे लेकिन ये इसके साथ नहीं कटता। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा 459.8 मीटर, ठीक है जी। तो आपने टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है वो फाइंड कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ चलते हैं, असाइनमेंट 2.5 कहता है अ साइक्लिस्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गिवन डेटा में क्या चीज़ है आपके पास, एक्सेलरेशन है गिवन है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। हाउ मच टाइम विल इट रिक्वायर टू चेंज हिज वेलोसिटी फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वो कहता है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड पे आ जाए, एक्सेलरेट वो 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर रहा है। तो टी आपको फाइंड करना है अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मोशन टी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी। या आप ऐसे कह सकते हैं कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड टी करना है। तो इन दोनों साइड पे मैं टी को डिवाइड कर लेता हूँ, यहाँ भी टी को डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वल की दूसरे साइड पे भी टी को डिवाइड कर लेता हूँ। ये तो आपस में कट जाएंगे, आपके पास आ जाएगा जी वी एफ, सॉरी एक्सेलरेशन हमने नहीं फाइंड करना, हमने टाइम फाइंड करना है। तो दोनों साइड को मैं ए पे डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी राइट दिस स्टेप अगेन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमने एफ टी फाइंड करना है, ये वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। दोनों साइड को ए पे डिवाइड कर ले, ठीक है जी। ये आपके पास कट जाएंगे तो टी आपके पास आ जाएगा जी वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। वी एफ क्या है, 12 माइनस 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो आपके पास 12 माइनस 6 है, ये आपके पास आता है 6, तो t इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे आपके पास आ जाएगा जी 5 सेकेंड। टाइम कितना रिक्वायर्ड है, वो आपके पास 5 सेकेंड रिक्वायर्ड है, और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके पास है एग्जांपल 2.6। अ बोइंग एयरक्राफ्ट टेक्स ऑफ एट 295 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट एट, ठीक है। अगेन रेस्ट आ गया तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड है, और आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि टेक्स ऑफ एट 95 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 295 किलोमीटर पर आवर है। अब किलोमीटर पर आवर को आपने ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है जो कि आपके पास मीटर पर सेकंड है। तो अगेन 1 किलोमीटर आपके पास 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 आवर जो है वो 60
मिनट्स के बराबर होता है, और एक मिनट 60 सेकेंड, तो 60 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करें, ये 60 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 आवर आपके पास 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 3600 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 295 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, आवर को सेकेंड में, ठीक है जी, तो मैं क्या लिखता हूँ, आवर की जगह 3600 सेकेंड। और इसको फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास 81.9 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अच्छा आपको एक्सेलरेशन गिवन है कि वो आपके पास है जी 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपने मिनिमम रनवे लेंथ रिक्वायर्ड फाइंड करना है। ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, देखें एक जहाज़ है वो जो है ना, ये आपकी रनवे की लेंथ है। वो क्या करता है कि वो यहाँ से स्टार्ट लेता है, फॉर एग्जांपल ये आपका जहाज़ हो गया, ठीक है जी, ये आपका जहाज़ हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट लेता है रेस्ट से, और वो यहाँ तक जाता है इस रनवे तक, और उसके बाद फिर उड़ता है। उसकी उड़ने की स्पीड क्या है, ये 295 किलोमीटर पर आवर या 81.9 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि आप इस रनवे का लेंथ फाइंड करें, तो लेंथ रनवे का लेंथ फाइंड करने के लिए अगेन हमने मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने एस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है। अब देखिए इधर टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं फाइंड कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते, तो आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना है। ठीक है जी, तो मैं लिख लेता हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेट स्टेट 2as = v² f - v² i। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है, s फाइंड करना है, तो दोनों साइड को 2a से डिवाइड करें, -v² i / 2a। ठीक है जी, अब आपने सिर्फ इसमें पुटिंग करनी है, vf स्क्वायर आपके पास क्या है, आपके पास vf स्क्वायर जो है वो vf आपके पास 81.9 मीटर पर सेकेंड है, उसका स्क्वायर ले ले, और vi 0 है डिवाइड बाय 2 * एक्सेलरेशन आपको गिवन है, आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो आपके पास 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है जी, ये आपके पास 2.8 हो गया, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा जी 1197.7875 मीटर। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में लिखता हूँ। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के फॉर्म में ये आ जाएगा आपके पास 1200 मीटर। ठीक है जी, कि 7 में ये एक 1 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 7 है सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है कि इधर 1 ऐड, अब 1 और ऐड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाला जो 0 है वो 1 रह गया था, वो इधर ऐड हो जाएगा, तो आपके पास ये 1200 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और अगर आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहें तो आप इसको 1.2 किलोमीटर लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये रनवे की लेंथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है ऑन मोटरवे M1 जो है वो पेशावर टू इस्लामाबाद जो मोटरवे है ना, उसको M1 का नाम दिया गया है। अ कार इज मूविंग एट स्पीड लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, व्हाट इज द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार। अच्छा, आपने डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ठीक है, क्या फाइंड करना है आपने, डी एक्सेलरेशन। अच्छा, अ कार इज मूविंग एट स्पीड लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, बाई अप्लाइंग द ब्रेक्स द कार कम्स टू रेस्ट। अब आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, पहले कार किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, वो 120 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था। ठीक है जी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1 किलोमीटर = 1000 मीटर, मैंने 1000 लिख दिया, 1 hour = 3600 सेकेंड, ये मैंने 3600 सेकेंड लिख दिए। ठीक है जी, इसको अब आप सॉल्व करें, ये 20 इसके साथ कट जाएंगे, और आपके पास, मैं कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, या आपके पास हो जाएंगी 1200 / 36, ये आपके पास 33.33 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक जी, ये आपके पास 33.33 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी में वो रेस्ट पे आ जाता है।
देखे ना वो 20 किलोमीटर पर आवर रफ्तार से जा रहा है और वो रेस्ट पे हो गया, ब्रेक अप्लाई किया रेस्ट पे हो गया। वो आपसे पूछ रहा है कि जी कितनी डी एक्सेलरेशन हुई है, डी एक्सेलरेशन बताओ। और इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आपके पास 30 मीटर है। जाहिर सी बात है आप जब ब्रेक दबाते हैं उसी जगह पे आप स्टॉप नहीं होते, आप जब ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी थोड़ी सी आगे जाके स्टॉप होगी। अगर उसी जगह पे स्टॉप होते तो फिर तो कोई एक्सीडेंट ही ना होता। ठीक है, तो आपके पास अब देखें टाइम नहीं है और आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है तो आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते, आपने थर्ड इक्वेशन ही यूज़ करनी है। क्योंकि तो आपके पास है 2as इजिकल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। अब आपने क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। तो a फाइंड करने के लिए 2s को मैं दोनों साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास 2s मैंने इस साइड पे डिवाइड कर लिया। अब आपने सिर्फ पुटिंग करनी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0.0 स्क्वेयर माइनस 33.33 स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू s। s आपके पास 30 मीटर है। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लें और इसके आपका आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास -18.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आएगा। अगेन नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डी एक्सेलरेशन को। तो इसका आपके पास ये जो आंसर है वो इसका राइट आंसर है।